अंडे और आलू से बनेंगे एकदम जबरदस्त और हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल आसान तरीके से और कम मेहनत में बनने वाली ब्रेकफास्ट की यह रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को पील कर लिया है यानी कि इसकी जो स्किन है वो निकाल दी है अभी आलू को कैसे काटना है मैं आपको वो दिखाता हूं तो आलू की आपको पतली पतली स्लाइस कर लेनी है बिल्कुल इस प्रकार अभी सभी स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रख देना है और उसके बाद इसे एकदम पतला काट लेना है तो इस प्रकार आपको आलू के एकदम पतले लच्छे तैयार करने हैं अगर आपके पास बड़े छेद वाला ग्रेटर आता है तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हो लेकिन अगर आप इस प्रकार से काट के करोगे तो आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इसी प्रकार मैं दूसरा आलू भी काट लूंगा अभी दोनों आलू को मैंने काट लिया है और एक बॉल में निकाल लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे पानी से आलू को अच्छे से धो लेना है तो इस प्रकार हाथ से हम इसे मसलते जाएंगे और अच्छे से धो लेंगे अब इसका सारा पानी हम निकाल देंगे ये देखिए आलू का सारा पानी मैंने निकाल दिया है अब इसमें हम आगे की प्रोसेस करेंगे सबसे पहले दो टेबल स्पून इसमें चावल का आटा मिलाएंगे अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो या फिर बेसन भी ले सकते हो अब इसमें वन टी कटा हुआ अदरक मिलाएंगे साथ ही में दो कटी हुई हरी मिर्चें वो डाल देंगे आप चाहो तो इसमें लसन भी मिला सकते हो अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है इसी के फ टी स्पून काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे इसमें बिल्कुल भी ज्यादा मसाले नहीं जाते फिर भी ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेना है अभी मैंने सब कुछ अच्छी तरह से मिला लिया है अब इसमें हम दो अंडे को तोड़ लेंगे ये दूसरा आदि ने मैंने तोड़ लिया है अभी फिर से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे सब कुछ मिलाने के बाद इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है अभी हमारा मिश्रण तैयार है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है पैन में मैंने हाफ टी स्पून तेल लिया है तो अभी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा दो तरीके से कैसे बनता है अब इसमें थोड़ा जीरा डाल देना है और साथ ही में थोड़ा सफेद तिल डाल देंगे गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे अभी जीरे और सफेद तिल को एक बार चला लेंगे अभी हमने जो आलू और अंडे का मिश्रण बनाया है उसमें से दो टेबल स्पून मिश्रण पैन में डालेंगे और चम्मच की सहायता से इसे फैला लेंगे अभी हम बहुत मोटा नहीं रख रहे थोड़ा पतला ही रख रहे हैं तो इस प्रकार इसे फैला लेना है उसके बाद पैन को ढक देना है और गैस के को बिल्कुल धीमा रखेंगे और इसे एक साइड अच्छे से पका लेंगे अभी हमने कच्चा आलू लिया है तो इसे पकने में थोड़ा समय लगेगा जब ये एक साइड से पक जाए तब इसे हम पलट देंगे आप देख सकते हो तो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आया है दूसरी ओर भी हम इसे अच्छे से पकाएंगे तो पैन को हम फिर से ढक देंगे अभी इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू पूरी तरह से पक ना जाए ये देखिए दूसरी साइड भी मैंने इसे पलट दिया है ये देखिए ये एकदम बढ़िया तैयार हुआ है अभी हम दूसरा तरीका देखेंगे तो फिर से मैंने पैन में जीरा और थोड़ा सफेद तिल डाल दिया है अभी बाकी का जो मिश्रण था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है तो छोटी छोटी पैनकेक्स बनाने की बजाय आप ऐसे बड़ी भी बना सकते हो फिर से इसे अच्छे से फैला लेंगे यहां पे खास ध्यान रखना है कि आपको इसे अच्छे से एक समान फैलाना है ऊपर से इसे लेवल कर देंगे अभी फिर से पैन को ढक देंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे अभी जब ये एक साइड से हो जाए तब बिल्कुल हल्के हाथ तो इसे हम पलट देंगे आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल हल्के हाथों तो से पलट दिया है अभी दूसरी ओर भी हमें इसे अच्छे से पका लेना है तो दूसरी ओर भी मैंने इसे अच्छे से पका लिया था ये देखिए ये अभी पूरी तरह से पक गया है तो अब इसे हम सर्व कर देंगे आलू की ब्रेकफास्ट की ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी